हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर लाई हूँ, बहुत ही प्यारा। और ये आप बॉर्डर की जगह डालिए, जैसे स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, जैकेट में, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही आसान सा है, पहले आपने नहीं बनाया होगा इसको, आप एक बार जरूर डालकर देखिए। ये देखिए, मैंने ये 41 फंदे लिए हुए हैं, ये 10 के मल्टीपल के हिसाब से पड़ता है। मैंने ये 41 लिए हुए हैं। अब मैं शुरू करती हूँ इसको कैसे करना है। पहला फंदा हमने ऐसे ही सीधा बुन लेना है, या आप पहला उतार भी सकते हैं। उसके बाद हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर ये वाला 10वां फंदा हमने इसको बिना बुने ही इस तरह से लेना है सिलाई पर। उसके बाद फिर हमने 9 फंदे इसी तरह सीधे सीधे बुन लेने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। फिर ये 10वां फंदा हमने इसी तरह सिलाई पर बिना बुने लेना है। फिर 9 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर एक फंदा हमने ऐसे ही ले लिया बिना बुना हुआ, और फिर हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। लास्ट का फंदा हमने बिना बुने ही ले लिया है। ये हमारी उल्टी सिलाई, इधर से हमने सीधा बुनना है। पहला फंदा बुन लिया हमने, और फिर धागा इस तरह से आगे करके ये 9 फंदे हमने इस तरह इधर से सीधे बुनने हैं, जो हमारा इधर उल्टा आएगा। इन 9 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं इस तरह से। दो, चार, छ, आठ और 1, 9। और ये जो हमने बिना बुना लिया था, ये हमने धागा इधर करके हमने फिर इसको हमने ऐसे इसी तरह उतार लेना है, और फिर धागा घुमा के हमने इनको 9 फंदों को सीधा बुनना है। फिर हमने धागा आगे करना है, और ये वाला फंदा हमने जो हमने उधर से बनाया नहीं था, वो भी इधर से भी हमने नहीं बुनना है अभी। और फिर धागा इस तरह घुमा के और 9 फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए, फिर आगे धागा करके हमने ये वाला फंदा हमने इसी तरह सिलाई पर उतार लेना है, और फिर धागा घुमा के फिर ये 9 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। लास्ट का फंदा हमने इस तरह से इसको बुनना है। ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हम तीसरी सिलाई बताते हैं आपको। तीसरी में क्या करना है, पहला फंदा तो
आप स्लिप भी कर सकते हैं और बुन भी सकते हैं। फिर आगे धागा करके हमने इन 9 फंदों को हमने डबल लेना है, धागा पीछे ही रखना है सॉरी, इस तरह से डबल बुनना है, डबल धागा लपेटना है सिलाई पर 9 फंदों पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये जो हमने अभी जो फंदा हमने अभी बुना नहीं है वो हमने ऐसे ही सिलाई पर लेना है, अब भी बनाना नहीं है इसको हमने। फिर बाकी के 9 फंदे हमने डबल धागे से करने हैं, मतलब सिलाई पर हमने डबल डबल धागा लपेटना है इस तरह से। इसी तरह हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। ये हमारा बिना बुना हुआ फंदा आ गया हमने इस सिलाई पर लेकर, और फिर ये 9 फंदे हमने डबल धागा लपेट कर हमने बुन लेने हैं। ये देखिए फिर ये हमारा बिना बनाया हुआ फंदा, और फिर हमने इन 9 फंदों को बुन लेना है। ये हमारी तीसरी सिलाई पूरी हो गई है, लास्ट का फंदा हमने इस तरह से बिना बुना ही उतार लेना है। अब इधर से देखिए चौथी सिलाई हमारी, पहला फंदा हमने बुन लिया है, पहले हमने एक फंदा बुन के इस तरह से 4 फंदे हमने इधर डालने हैं, 2, 3, 4। उसके बाद हमने ये 9 फंदे खोलने हैं जो हमने डबल सिलाई पर धागा लपेटा था इस तरह से। ये हमारे 9 फंदे हो गए, 3, 3, 6, 3, 9। इसको अब हमने इस तरह से नौ फंदे का एक फंदा बनाना है इस तरह से, और फिर हमने 4 हमने इधर बढ़ाए थे और 4 फंदे हमने इधर बढ़ाने हैं, 1, 2, 3, 4। अभी हमने 9 फंदे का एक किया था तो हमने ये 9 के 9 बना लिए हैं, 4 इधर 4 इधर और एक फंदा ये बीच में है जो हमने 9 का घटा के एक फंदा बनाया। अब ये हमने उल्टा बुनना है जो हमने अभी तक फंदे को बुना नहीं था, ये वाला फंदा जो अभी तक हमने बनाया नहीं था उसको हमने उल्टा बुन लेना है, और फिर हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, 1, 2, 3, 4। और फिर हमने इन 9 फंदों को खोलना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसी तरह से हमने इन 9 फंदों को
एक फंदा बनाना है। इस तरह से सारे फंदों में से हमने इस तरह सिलाई डाल के हमने एक फंदा बना लेना है और सारे फंदे सिलाई से निकाल देना है। फिर हमने उसी तरह चार फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि हमें नौ फंदे के नौ फंदे बनाने हैं। दो तीन चार, ये देखिए नौ फंदे हो गए हमारे, चार इधर बढ़ाए एक बीच का, ये नौ का एक जो हमने बनाया और चार हमने इधर बढ़ा लिए। अब हमारा ये बिना बुना हुआ फंदा है, इसको हमने उल्टा ही बुन लेना है सिंगल। उसके बाद फिर हमने चार फंदे बढ़ाने हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब जब हमने नौ का एक बनाना है तो चार फंदे इधर बढ़ाने हैं, चार फंदे हमने दूसरी साइड बढ़ाने हैं। देखिए तीन और एक चार, अब फिर हमने ये नौ फंदे खोल लेने हैं इस तरह से। और नौ का एक बनाना है, ये देखिए फिर हमने चार फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि हम दोनों तरफ नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। तीन चार, और फिर हमने इसको सिंगल फंदे को बुन लेना है, उल्टा ही बुनाना है इसको। और इसके बाद फिर हमने चार फंदे बढ़ाने हैं, एक दो तीन चार, फिर हमने ये नौ फंदे खोलने हैं इस तरह से। और इनको हमने इस तरह से नौ को एक बना देना है। फिर हमने इधर चार फंदे बढ़ा लेने हैं, दो तीन चार, और ये लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक सीधी सिलाई और निकाल के दिखाते हैं आपको। इसके बाद हमने सीधी ही निकालनी है, उसके बाद हमें जो डिजाइन डालना है हम डाल सकते हैं। ये हमारी बॉर्डर का डिजाइन हो गया है। ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है, बॉर्डर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारा ये बॉर्डर का डिजाइन पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।